जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो टीको? आज मैं टैक्स इनवाइस शीट एमएस वर्ल्ड में इंशाल्लाह क्रिएट कर दूंगा। हाउ टू मेक गेट इनवाइस एमएस वर्ल्ड 2016 में कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा एमएस वर्ल्ड में गेट इनवाइस कैसे बनाते हैं। हाउ टू मेक इनवाइस इन एमएस वर्ल्ड, सब्सक्राइब माय चैनल। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज मैं सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे पेज के, या लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे पोर्ट्रेट करेंगे, लैंडस्केप पोर्ट्रेट करेंगे। ठीक है, साइज़ A4 करेंगे पेज की साइज़। ठीक है, यहाँ पे नैरो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बॉक्स पे लेआउट में जाकर यहाँ पर हम बॉक्स ड्रा कर लेंगे। ठीक है, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्टाइल भी है डिज़ाइन वाला। ठीक है, ओके पे क्लिक कर लें। हम स्टार्ट करते हैं टैक्स इनवॉइस। सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे शिफ्ट माइनस के साथ, या ऐसे। इसका हम बाद में सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पिन नंबर लाइन शिफ्ट माइनस के साथ हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, कीबोर्ड से हम शिफ्ट माइनस प्रेस करेंगे। इंटर। अब ईमेल आईडी कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस माइनस प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ईमेल आपका अपना होगा वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे टेबल में जाएंगे। यहाँ पे कॉलम, हमें कितने कॉलम चाहिए, 5 कॉलम और 2 रो हमने क्रिएट किए। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक मर्ज। ठीक है, हमने यहाँ से मर्ज किया। ठीक है, क्लाइंट नेम एड्रेस 1, यहाँ पे एड्रेस 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस 2,
इंटर। जीएसटी नंबर और कॉलम हम देंगे टैब के साथ, ठीक है करेंगे इसे। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक यहाँ पे मर्ज, ठीक है इसको हम मर्ज कर लेंगे। तो हम इसे सेंटर पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ टैब प्रेस कर लेंगे, दूसरे कॉलम के लिए हम टैब प्रेस कर लेंगे टैब। ये पे रेट, ठीक है यहाँ पे हम बॉर्डर देंगे, ठीक है एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से हम साइज की कम कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी साइज कॉलम की इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है होम पे जाएंगे, यहाँ पे हम बोल्ड, ठीक है कीबोर्ड से हम कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे हम कॉलम ऐड करते हैं और वो कॉलम टैब टैब के साथ, ठीक है
ये जो ऊपर हमने रेट और अमाउंट का जो लाइन दिया दरमियाना, हमने ये ड्रा टेबल हमने सामने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको लाएंगे, इसको यहाँ पे मर्ज कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हम मर्ज कर लेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक मर्ज सेल, ठीक है। दूसरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, इसको भी हम यहाँ से मर्ज करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक जो मर्ज सेल, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक मर्ज सेल, ठीक है। इसको भी हम ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज, ये सब मर्ज हो गए। यहाँ पर हम ये लिखेंगे टैप टैप के साथ आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट ए कॉलम हम वो भी करेंगे, राइट क्लिक इंसर्ट लेफ्ट राइट, हमें एक कॉलम की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर हम जिस 22%, यहाँ पे 11%, यहाँ पे 8%, यहाँ पे 7%, GST यहाँ पे 3%। से हम टैप प्रेस कर लेंगे, यहाँ पे भी हम 3SG लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर टैप, यहाँ पे हम टोटल अमाउंट, ठीक है, अब यहाँ हम इसकी सेटिंग कर लेंगे, या हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट इनवॉइस को, यहाँ से सेंटर पे कीबोर्ड से हम कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है।
इसको यहाँ से हम स्टाइल देते हैं, साइज़ बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बोल्ड, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, इसको भी, यहाँ से हम इसको भी सेंटर पे, इसको टैप टैप के साथ हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे, शिफ्ट माइनस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। यहाँ से हम शिफ्ट माइनस प्रेस करेंगे, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ पर हम कीबोर्ड से शिफ्ट माइनस प्रेस करेंगे, ठीक है। इसको भी यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे, यहाँ कीबोर्ड से हम शिफ्ट माइनस प्रेस कर लेंगे, हमारे एक लाइन हम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेंटर पे कर लेंगे, लेआउट में जाकर यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बोल्ड भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम स्टाइल भी दे सकते हैं, जो स्टाइल अच्छा लगे हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हम मर्ज कर लेंगे, ठीक है। राइट क्लिक मर्ज सेल, ठीक है, मर्ज किए हमने यहाँ पे, इसको हम थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अमाउंट इन्वॉल्व्ड कीबोर्ड से शिफ्ट माइनस प्रेस कर लेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से शिफ्ट माइनस प्रेस करेंगे, लाइन ड्रा हो जाएगी, ठीक है। सेलेक्ट करें, यहाँ से मर्ज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बैंक अमाउंट नंबर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रांच, यहाँ से हम इसको कट करेंगे, कीबोर्ड से हम कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पर हम कंट्रोल वी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक नेम, ठीक है, दूसरे नंबर पे ब्रांच नेम, तीसरे नंबर बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर
बैंकॉक, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक डिटेल, ठीक है। इसको हम कंट्रोल ई से सेंटर पे कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से मर्च कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट किया हमने, मर्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ इन सब पे लाइन से हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इन सब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल पे नीचे ड्रा टेबल क्रिएट कर लेंगे, यहाँ से हम लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इसकी लाइन हम ऐसे ड्रा कर लेंगे, इसकी भी हम लाइन ड्रा कर लेंगे, इसकी भी हम लाइन यहाँ से ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ड्रा टेबल से हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। हम ये लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस के साथ हम आगे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेस प्रेस कर लेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से स्पेस, ठीक है। अभी हम शेप पे जाएंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पर ऊपर रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशन ये लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड कोई भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सेटिंग कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको भी यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, कीबोर्ड से हम कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड शॉर्टकट इसके कंट्रोल बी है, ठीक है। यहाँ से हम स्टाइल दे सकते हैं टेक्स्ट इनवॉइस को, यहाँ से हम इसकी स्टाइल चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग देंगे, ठीक है। लाइन स्पेसिंग के शॉर्टकट कंट्रोल वन, कंट्रोल टू, कंट्रोल फाइव कीबोर्ड से हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से हम बॉर्डर डिज़ाइन पे क्लिक करें तो यहाँ पर हम आल बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जो बॉर्डर हमने चलेंगे यहाँ पे आल बॉर्डर पूरे टेबल पे साइड पे जो बॉर्डर है वो देखते हैं हम। यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ से हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर हम और देते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं। यहाँ पे नो बॉर्डर कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक आल बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये वाले बॉर्डर अब मुझे अच्छे लगे, ठीक है। इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम होम पे क्लिक, बोर्ड को यहाँ से हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। यस हम बॉर्डर फिर आल नो बॉर्डर पे यस आल बॉर्डर, ठीक है। यस आप यस हम उसको लेआउट पे जाकर यहाँ पे सेंटर पे कर लेंगे, ठीक है। यह हमारा इनवाइस शीट कंप्लीट हुआ। जितना अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं